Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल सर्व टेस्टी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबाद का फेमस डेजर्ट जिसका नाम है कद्दू की खीर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कद्दू, आप साइज़ देख सकते हैं, और इसको मैंने पील करके अच्छे से ग्रेट करके रख लिया है। इसे मैंने पानी ग्रेट करने के बाद पानी में भिगो कर रखा है, क्योंकि वो काला हो सकता है, इसलिए हमें इसे पानी में भिगो कर रखना है। इसके बाद हम इसे 5 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा पानी बॉईल हो रहा है। बॉईल होने के बाद ही हम ग्रेटेड कद्दू इसमें डालेंगे। हमने पानी निकाल लिया है कद्दू में से, और इसे जस्ट फॉर 5 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे। हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसे जस्ट फॉर 5 मिनट्स बॉईल करेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करके इसे एक साइड में रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2.5 लीटर मिल्क लिया है, और इसे एक बॉईल आने के बाद फर्दर मैंने 10 मिनट के लिए इसे बॉईल किया है। इसके बाद हम इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, चलिए देखते हैं। मैंने कद्दू को 5 मिनट्स बॉईल करके उसका पानी स्ट्रेन करके रख लिया है। इसके बाद हम लेंगे 1 कप शुगर, कुछ नट्स, आलमंड्स एंड पिस्ताशियोज़ है, एंड सैबो सीड्स है। हमें साबुदाना जो होता है वो है, जो बड़ा वाला चाहिए, हमें छोटा वाला दाने नहीं चाहिए। एंड 5 इलायची जिसे हमने शक्कर के साथ पीस लिया है, 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, एंड 200 to 300 ग्राम्स खोया है। अब हम इस बॉयल कद्दू में से, आप देख सकते हैं कि मैंने इतना भर के, स्पून भर के मैंने कद्दू निकाल के इसे मुझे प्यूरी बना के रख लेना है। आप चाहे तो इसका डबल भी ले सकते हैं, प्यूरी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने सारा बॉयल कद्दू मिल्क में डाल लिया है। हमारा मिल्क भी बॉयल हो रहा है। चमचे चलाएंगे हम अच्छे से। इसके बाद हम इसमें साबुदाना जिसे मैंने 15 मिनट्स के लिए भिगोया था वो डाल देंगे। अच्छे से स्टीर करेंगे। हमें कंटिन्यू स्टेयर करते रहना है, वरना ये नीचे से चिपक जाएगा। इसके बाद मैंने जो 5 इलायचियों को शुगर के साथ पीसा था मैंने वो डाला है। 1 कप शुगर ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें खोया ऐड करेंगे। ये खोया मैंने घर पे बनाया है, ये होममेड खोया है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी हम कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमें अच्छे से स्टेयर करना है, और इसे 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से पकते देना है, जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। इस स्टेज पे आप अपनी शुगर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि शुगर कम है, तो बेशक आप इसमें शुगर ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने जो बॉयल कद्दू निकाला था उसकी प्यूरी बनाकर अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसे स्टीर करके अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे। यहाँ पर जो हमने 3 टेबलस्पून कस्टर्ड लिया था, 3 टेबलस्पून फुल कस्टर्ड लिया था हमने, उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के, 3 to 4 टेबलस्पून मिल्क डाल के हम इसे घोल बना लेंगे अच्छे से। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। अब हम ये कस्टर्ड को भी खीर में ऐड कर देंगे। चमचे चलाते हुए हम ऐड करेंगे और तेज़ तेज़ से चमचे चलाएंगे। आप इसे फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको जितनी थिक खीर चाहिए होगा उतनी आप कर सकते हैं। ज़्यादा थिक चाहिए हो तो ज़्यादा पका लें, या कम चाहिए होगा तो फिर 15-20 मिनट पकाकर बंद कर दीजिए। मैंने शक्कर टेस्ट किया था, इसमें मुझे शक्कर कम लगी, तो इसलिए मैंने 1/2 कप चीनी और ऐड की है। इसके बाद मैंने इसे 15 to 20 मिनट्स और पकाया है। इसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और हमारे कद्दू की खीर सर्व करने के लिए रेडी होगी। हम इसे ठंडा करके सर्व करेंगे। कद्दू की खीर ठंडी ही अच्छी दिखती है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।